नमस्कार दोस्तों, SPS सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो फोकस में रहेंगे। तो फ्राइडे के दिन हमने एक रिलीफ रैली देखी मार्केट के अंदर, जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी की बात है, दोनों ही इंडाइसेस जो है ऊपर बंद हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 260 पॉइंट की रही है, 72,665 के आसपास बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में बढ़त करीब 98 पॉइंट की रही और 22,055 के आसपास बंद हुआ है। मिड स्मॉल कैप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स करीब 1% के आसपास बंद हुआ है, वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त करीब 0.7% की रही। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं BPCL हैं, पावर ग्रिड, NTPC, हीरो मोटर कॉप, JSW स्टील। जो गिरने वाले शेयर्स रहे हैं TCS, सिप्ला, LTIMindtree, कोटक बैंक और इन्फोसिस। आइए देख लेते हैं सेक्टरली क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेक्टरली लगभग सारे इंडाइसेज, यानी कि एक दो इंडाइसेज को छोड़ दें, जैसे BSE रियलिटी है, IT इंडेक्स है, यहाँ पे थोड़ा हमने लगभग 0.5% से लेकर के 1% के बीच में गिरावट देखी है। बाकी सारे इंडाइसेज जो है गिरने बंद हुए हैं, जैसे BSE पावर लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ है, BSE ऑयल एंड गैस लगभग 1.4%, BSE कमोडिटी 1.3%, मेटल लगभग 1.3%, टेलीकॉम 1.3%, BSE एनर्जी लगभग 0.25%, BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल लगभग 1.1%। तो ये सारे इंडाइसेस जो है वो गेन बंद हुए हैं। इस बीच करीब 117 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जबकि 45 ऐसे नए ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। मार्केट ब्रेथ जो है फ्राइडे के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव था, जहाँ पे 2,142 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1,678 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज की। तो यहाँ पे FII की जो बिकवाली है वो जारी है। FII ने शुक्रवार के दिन 2,117 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि DII ने 2,710 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो आज के लिए क्या लग रहा है, तो ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा जो है मिक्स लग रहा है। US का जो बाज़ार है फ्राइडे के दिन भी पॉजिटिव बंद हुआ था लार्जली, जहाँ पे नैसडैक एकदम फ्लैट बंद हुआ, वहीं पे डॉ जोन्स S&P में बढ़त देखने को मिली है। डॉ जोन्स करीब 1/3% ऊपर था, जबकि S&P 500 लगभग 0.16 बंद था। जबकि एशियाई मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी अकॉर्डिंगली जो है हम शुरुआत करेंगे। हालांकि अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंट भी एक रोल प्ले करेगा आज के मार्केट के लिए, जैसे ऑनगोइंग इलेक्शन चल ही रहा है, आज चौथे फेज की वोटिंग चल रही है, उसके अलावा रिजल्ट भी चल रहे हैं, तो ये सब डेवलपमेंट जो है वो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ऐसे और कौन से स्टॉक हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ कंपनी जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं ओवर वीकेंड, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में शुक्रवार के दिन। तो टाटा मोटर्स ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 13.5% के आसपास का है, एबिटा में बढ़त करीब 32% के आसपास का है, प्रॉफिट में बढ़त करीब दुगने के आसपास का है, यानी 220% जो है प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये नंबर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें डेफर्ड टैक्स राइट बैक भी इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल नंबर हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे वीक लग रही है, तो हम एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन टाटा मोटर में हम देख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का नंबर अच्छा है, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़त करीब 34% के आसपास की है, उनका बेटा करीब 19% बढ़ा है, प्रॉफिट लगभग 97% बढ़ा है और ये मार्केट के अनुमान के जो है वो आसपास ही है। तो उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। TCI एक्सप्रेस का नंबर थोड़ा सा वीक लग रहा है, रेवेन्यू में लगभग 3% की गिरावट है, EBITDA लगभग उनका 17-18% गिरा है, प्रॉफिट में भी लगभग उतनी ही गिरावट है। तो ये नंबर जो है मार्केट के अनुमान से थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो एक नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं। दिल्ली बिल्डकॉन ने अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ लगभग 19% के आसपास का है, EBITDA लगभग 94% बढ़ा है, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो ओवरऑल नंबर अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। ABB इंडिया ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं और ये इनका पहला क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, EBITDA अक्रॉस द बोर्ड सारे ही सेगमेंट में अच्छा डिलीवरी देखने को मिला है और उनका ऑर्डर भी अच्छा खासा बढ़ा है इस क्वार्टर के लिए।
आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो ज़्यादा डिटेल हम शेयर कर पाएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद में, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है एबीबी का जो है मार्केट के अनुमान से बेहतर है, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। वीआईपी ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और हालांकि सेल्स में ग्रोथ करीब 15% के आसपास का है, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है। इनफैक्ट जो उनका करंट क्वार्टर का जो प्रॉफिट नंबर है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है, तो लॉस जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो ओवरऑल नंबर वीक लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो अनुप्रमेय फेसी देखा जाए तो ये नंबर हालांकि थोड़ा सा वीक लग रहा है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शायद एक न्यूट्रल टू नेगेटिव शुरुआत हम देख सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए। न्यू लाइन लेबोरेटरीज ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं, यहाँ पर रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग है, प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है, तो ये नंबर जो है काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव शुरुआत हम यहाँ पर देख सकते हैं। थर्मैक्स ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं फ्राइडे के दिन और रेवेन्यू में एक बढ़त करीब 20% की है, प्रॉफिट करीब उनका अच्छा खासा बढ़ा है लगभग 20% के आसपास का है, एबिटा में बढ़त करीब 37% के आसपास की है। कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है, तो ओवरऑल नंबर ये बढ़िया हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद में हम और डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। आरती इंडस्ट्री ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर ठीक ठाक हैं, मार्केट के अनुमान के आसपास ही हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 7% की है, बेटा 12% बढ़ा है, हालांकि प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है करीब 11.5% की, लेकिन ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है, तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। सिरमा एसजीएस ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर जो है थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं। प्रॉफिट जहाँ तक सेल्स की बात है तो सेल्स हालांकि बढ़ा है लगभग 67% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन जो प्रॉफिट में बढ़ाते थोड़ी सी कम है, प्रॉफिट केवल 5.5% ही बढ़ा है, मार्जिन में डिक्लाइनिंग है, तो ओवरऑल नंबर जो है कमज़ोर लग रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक का नंबर कमज़ोर है, एनआईए में कुछ खास बढ़त नहीं है, फ्लैट है। उसके अलावा जो उनका प्रॉफिट नंबर है वो भी वहाँ पर डिक्लाइनिंग है करीब 70% के आसपास का, तो एक कमज़ोर नतीजा है पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। हालांकि यूनियन बैंक का नंबर अच्छा है, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में जो है करीब 14% की बढ़त देखने को मिली है, प्रॉफिट भी उनका बढ़ा है लगभग 19%, तो ये नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं। एमी ऑर्गेनिक ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, हालांकि नंबर है थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बट मार्केट के अनुमान से जो है उसके आसपास ही है, प्रॉफिट सेल्स में बढ़त करीब 21% के आसपास की है, हालांकि जो बेटा मार्जिन है वो डिक्लाइनिंग में है, नेट प्रॉफिट भी करीब 6% जो है गिरा है। आज के लिए बहुत सारी कंपनियां जिनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, जैसे UPL है, जिंदल स्टील एंड पावर है, जोमैटो, DLF, GIC हाउसिंग फाइनेंस, आइनॉक्स इंडिया, वरुण बेवरेजेस, तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की जो आज अपने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट जो है डिक्लेयर करेंगे। आइए देखते हैं और ऐसी कंपनियां कौन कौन सी हैं जो अपने न्यूज़ के दम में फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं वेदांता ने कहा है कि जो उनका CIHL जो यूनिट है उन्होंने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एवन स्ट्रेट में, करीब 12.5 बिलियन जो है वो जापानीज एन इन्वेस्टमेंट है, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है वेदांता के लिए। लुपिन को एक राहत मिली है, यूएस का जो एक कोर्ट है वो उनके एक मेडिसिन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस था उनको उन्होंने लिफ्ट कर दिया है, यानी कि हटा दिया है, तो ये शिपमेंट जो है बढ़ेगी, तो ये लॉन्ग टाइम पॉजिटिव होगा लुपिन के लिए। हुडको जो है आज फोकस में होगा, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट के साथ में एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है और आगे चल के वो सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है बनाएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। आंध्रा पेपर ने कहा है कि कंपनी ने एक स्वीडन बेस्ड कंपनी के साथ में एक टाइप किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो टिश्यू पेपर सप्लाई करेंगी, तो ये पॉजिटिव है। लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने बरेली में एक 60 रूम का एक नया होटल जो है बनाएंगे, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। आज इंडियन जिन का IPO जो है वो लिस्टिंग के लिए होगा और ये इशू अच्छा सब्सक्राइब हुआ, लगभग 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो उम्मीद करते हैं पॉजिटिव हम लिस्टिंग देख सकते हैं। TBO टेक का IPO लगभग 87 गुना सब्सक्राइब हुआ थर्ड डे और आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO भी लगभग 25 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो काफ़ी एक्सचेंज देखने को मिल सकता है प्राइमरी मार्केट में। आज के लिए कॉर्पोरेशन से बात करें तो आज बहुत सारी कंपनियों का डिविडेंड डेट है, जैसे एपटेक, HDFC बैंक,
ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रामकृष्ण फोर्जिंग, यूको बैंक, डीसीबी बैंक, ये कुछ कंपनियाँ जिन जिनका आज डिविडेंड के लिए एक्सिट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।